बीवी और प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर होने के बाद का बेटा होने के बाद मेरे अंदर और कोई कमी मुझे नजर नहीं आती। देखिए मैंने मेरे ऊपर तो एजेंट का और तमाम तो उन्होंने कहा पहले दिन से, जिस दिन से मुझे पहचान मिली कि वो तो आरएसएस की बी टीम है, लेकिन मैंने कभी बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, ना उनके साथ मिलकर सरकार बनाई, ना ही मैं मोदी जी का प्रचार करने के लिए गुजरात दंगे के बाद गुजरात गया, मैंने नहीं किया। बस क्योंकि अब आप पे और तो कोई रास्ता नहीं, मैंने तो बहुत दिन पहले पढ़ा था, जिसको रोकाना जा सकता हो उसके चरित्र पे या उसको जो है अपमानित करने के लिए उसके ऊपर आरोप लगा, बस यही राजनीति में मैं देख रहा हूँ। ये गिरी हुई राजनीति, इससे गिरा हुआ राजनीति का स्तर नहीं हो सकता। आपको लड़ना है तो विचारों की लड़ाई लड़िए, मुद्दों की लड़ाई लड़िए, आंदोलन की लड़ाई लड़िए। देखिए सत्ता बिना संघर्ष से कहां मिले, कोई आंदोलन 5 साल में बहन आपने देखा हो बीजेपी का तो आप बता दो, का नेतृत्व मायावती जी ने किया, तो ट्वीट से तो उतने वोट मिलने वाले हैं जितने मिल रहे हैं। तो मान लीजिए 2024 में एक तरफ भाई हैं और दूसरी तरफ बहन मायावती ने भी आपको बुला लिया जिनको आप माता लगातार कह रहे हैं, तो मतलब वहां फिर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं देखेंगे कि कहां से ज्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा है, वहां जाया जाएगा। ऐसा लड़ाई समाज हित की है, अगर मेरे व्यक्तिगत हितों की होती तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि एमपी एमएलए बनना इस देश में बहुत कोई बड़ा काम नहीं, मैं यहाँ किसी के पैर पकड़ के नहीं आया, मैं यहाँ संघर्ष करके पहुंचा, जूते घिस के पहुंचा, लाठियां खा के पहुंचा, मेरे 3 दांत टूटे हुए अंदर से पुलिस की लाठियों से टूटे, कोई क्रिकेट खेलते हुए नहीं टूटे। मैंने दिल्ली के आंदोलन में जब सीए एनपीआर एनआरसी का आंदोलन हुआ और मुझे निर्दोष व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, और ये हमारी जस्टिस ने जज साहिबा ने भी कहा उनके खिलाफ क्या हुआ है आरोप, और पुलिस कुछ नहीं दे पाई। इस देश में देखे सत्ता की पुलिस कितनी नतमस्तक है, वो भी दिल्ली की, देश की राजधानी की पुलिस। तो जब मैं रिलीज हुआ मैंने अपने लोगों को नहीं बताया कि किस तरह का सलूक पुलिस ने मेरे साथ किया। मुझे एक बार में कम से कम 250 लाठी मारी गई कि मुसलमानों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, अपने लोगों की बात करोगे शायद तुम्हें कुछ ना कहें, लेकिन अगर मुसलमानों की बात करोगे देश में तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा। तो मैंने वो 250 लड़ाई लाठी से सही कि मुझे आज नहीं तो कल ये जब किसी के साथ अन्याय होगा इस लड़ाई के खिलाफ अपनी बात को रखना पड़ेगा। तो अगर आप बात करते हैं बहुजन की तो किसी एक जाति के साथ नहीं खड़े हो सकते, सबकी बात करनी पड़ेगी, और शायद कोई नहीं उठा रहा होगा आपको जानकारी हो मोहित जी, तो हुआ है अभी वहां 7 लोगों की हत्या हुई है बिहार में यादव समाज के। हमारी यूनिट ने कल मुझे बताया, मैंने कल ही मुख्यमंत्री जी के यहाँ मेल भी किया और खुद ट्वीट भी किया टैग करके, उनको कहा कि उनको जो है उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इसका अन्याय हो, और आज लोग उम्मीदें जुटाते हैं, लोग ट्विटर पे वीडियो बना के डालते हैं कि हमारी आवाज पहुंचाती है, मैं सबको संज्ञान में लेता हूँ। अभी कल एक वीडियो मेरे पास आई थी, शायद वो